और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से, जहां कुपवाड़ा में घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है। जिस जगह पर यह एनकाउंटर चल रहा है उस जगह पर दो आतंकियों के शव देखे गए हैं। ये एनकाउंटर कल से चल रहा था और 3 से 4 आतंकी के अब भी छिपे होने की आशंका व्यक्त की जा रही है। ये आतंकी यहाँ घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे और कुपवाड़ा में मुठभेड़ के दौरान दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है, लेकिन सेना का सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है क्योंकि 3 से 4 आतंकी अभी भी छिपे हो सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। दो आतंकियों को ढेर कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा से। मीडिया संवाददाता खालिद हुसैन इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। खालिद, क्या जानकारी है इस एनकाउंटर को लेकर? देखिए, अभी भी ऑपरेशन चल रहा है। ये दरअसल मध्य रात्रि में स्पेसिफिक इनपुट था सेना को कि यहाँ से घुसपैठ की कोशिश हो सकती है, तो उसके लिए जो है कवर अप लगाया गया था। और जैसे ही संदिग्ध हरकत दिखी, लगभग 3 से 4 व्यक्तियों की हरकत दिखी थी और उसके बाद एक एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ मध्य रात्रि में ही। और सुबह जब सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया तो 2 मिलिटेंट्स की बॉडीज जो है वो साइड की गई है और उनको रिट्रीव करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन इस इलाके में मैसिव सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया है क्योंकि यहाँ जो हरकत दिखी थी वो 2 से 3 की थी, यानी 1 से 2 और वहाँ पर छुपे हो सकते हैं। और ये कोशिश फिर से एक बार विफल कर दी गई है। लगातार पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ की कोशिशें की जा रही है। ये 3 से 4 आतंकियों के छिपे होने की आशंका है। लगातार अपडेट्स का इंतजार रहेगा, अपडेट्स आएंगे हम लौटेंगे तुरंत। खालिद, आपके पास शुक्रिया इस बड़ी खबर पर डिटेल्स देने के लिए। Zee News.